येती, हिम मानव और इंग्लिश में उसे बिग फुट कहा जाता है। ये एक ऐसा मॉन्स्ट्रस क्रीचर है जिसके बारे में आपने कई बार स्टोरी सुना होगा, और इंडिया और नेपाल के कुछ बर्फीली इलाकों में लोगों का ये भी कहना है कि उन लोगों ने इस येती को देखा भी है, लेकिन एक्चुअली आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। लेकिन इस क्रीचर के ऊपर हॉलीवुड वाले ने बहुत सारी मूवीज बना चुके हैं, लेकिन इसी में से आज हम लोग एक मूवी का रिव्यू करेंगे जो हिंदी में भी अवेलेबल है, और इस मूवी का नाम है बिग लेजेंड, जो कि रिलीज हुई थी 2018 में। मूवी का जॉनर है एक्शन, एडवेंचर और हॉरर। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको फ्री में देखने को मिल जाएगी। अब वो कहाँ मिलेगी वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन अगर आपको फ्री में देखना तो आपको सिर्फ इतना काम करना होगा कि इस वीडियो की लिंक को ज्यादा शेयर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। खैर बात करेंगे इस मूवी के प्लॉट की, तो कहानी शुरू होती है एक एक्स सोल्जर से जो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर एक जंगल में जाता है कैंपिंग करने के लिए, लेकिन वहां पे इन लोगों के साथ एक इंसिडेंट होता है जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड मिसिंग हो जाती है, यानी कि लापता हो जाती है। उसके बाद क्या कुछ होता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। खैर इस मूवी के कॉन्सेप्ट से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मूवी काफी लो बजट की है, और इसी वजह से मैं जीरो एक्सपेक्टेशन रख के इस मूवी को देख रहा था। लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूं कि मूवी की लेंथ सिर्फ 1.5 घंटे की, और मूवी की जो स्टार्टिंग है वो मुझे पर्सनली अच्छी लगी, और उसके बाद जो जो चीजें इस मूवी में बता रहे थे ना वो मुझे कहीं ना कहीं ये मूवी में बांधे रख रही थी। हालांकि ये मूवी को हम लोग वन ऑफ दी बेस्ट मूवी नहीं कह सकते, लेकिन इतना तो है कि एटलीस्ट मैंने इस मूवी को पूरी तरह से देखा और इंजॉय किया। उसके अलावा बात करेंगे इस मूवी में बताए कैरेक्टर्स की, तो यहाँ पर हमें इतने ज्यादा कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिले, लेकिन जितने भी कैरेक्टर्स थे उनको अच्छी तरह से यहाँ पर लिखा गया है। उसके अलावा इस मूवी की जो सबसे अच्छी बात है वो है इसकी सिनेमेटोग्राफी, स्पेशली यहाँ पर जो जंगल बताया है। मैं आपको बता दूं कि एक मूवमेंट पे वो जंगल आपको हेवन जैसा लगता है, और दूसरे ही मूवमेंट पे वो आपको बहुत ही खतरनाक लगता है, जो कि इस मूवी की सबसे अच्छी बात है। उसके अलावा इस मूवी की बीजीएम की बात करेंगे तो वो इतना ज्यादा जबरदस्त तो नहीं है, लेकिन हाँ वो इस मूवी को अच्छी तरह से बैलेंस कर रहा था। उसके अलावा अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर कुछ ही एक्टर्स हमें देखने को मिले इस पूरी मूवी में, लेकिन सभी का काम मुझे डिसेंट लगा, कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं था, ना ही कोई ओवर एक्टिंग कर रहा था, सब लोग अपने हिस्से का काम बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे थे। ये मूवी अभी पूरी तरह से खत्म हुई नहीं, यानी कि इसका पार्ट 2 हमें देखने को मिल जाएगा, और मेकर्स ने इस मूवी के एंड में अनाउंस किया है ये टीम फिर से रिटर्न होगी, और उस मूवी का नाम होगा द मॉन्स्टर क्रॉनिकल्स। अब बात करेंगे इस मूवी की कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसका कॉन्सेप्ट अच्छा था, लेकिन उसको और भी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया जा सकता था, लेकिन शायद बजट की कमी की वजह से वो लोग इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाए। उसके अलावा इस मूवी में और भी ऐसी गलतियां हैं जो यहाँ पर मैं बताऊंगा तो वो स्पॉयलर्स के अंदर आ जाती है, लेकिन ओवरऑल ये मूवी एक डिसेंट वॉच है। मुझे पर्सनली ये मूवी अच्छी इस वजह से लगी क्योंकि मेरे पास कुछ और देखने के लिए अभी फिलहाल था नहीं, और मैं उस मूड में भी नहीं था कि यार कोई बड़ी मूवी देखने के लिए। मुझे ऐसा लगा था कि कोई छोटी मूवी देखेंगे, और जब मूवी मुझे नजर आई तो मैं सोचा कि चलो ये देखते, तो मेरे हिसाब से तो एक डिसेंट वॉच है, लेकिन आपका मुझे पता नहीं। तो मैं आप लोग से इतना ही बोलूंगा कि अगर आप लोग फ्री हो, अगर आप लोग ने इस तरह की मूवीज कभी नहीं देखे, मूवी आपको अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आप लोग मॉन्स्टर्स की मूवी बहुत बार देख चुके हो और आप लोग बहुत बड़े फैन हो इस तरीके की मूवीज के, जो आपको बड़े बजट की, जहां पर अच्छा खासा सीजीआई वर्क देखने को मिले, एक अच्छी कहानी देखने को मिले, तो ये मूवी आप लोग के लिए नहीं है। पेरेंटल गाइडेंस में मैं इतना ही बोलूंगा कि मूवी में एक किसिंग सीन देखने को मिलता है जो कि स्टार्ट में ही है, उसको आप लोग फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। उसके अलावा इसमें आपको कोई भी ऐसा सीन देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि ये मूवी टोटली एक फैमिली एंटरटेनिंग मूवी है। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर मेरा टेलीग्राम अकाउंट है अरहान एंटरटेनमेंट, उस अकाउंट पे जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए, और वहां पर आपको फ्री में ये मूवी देखने को मिल जाएगी, तो घर बैठे एंजॉय कीजिएगा। लेकिन फाइनली बस इतना ही बोलूंगा कि भाई देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।